हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेवर इमिग्रेशन। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस था वो अब GSR यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ उन्होंने चेंज कर दिया है। अब 23 मार्च 2024 से ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो उसमें क्या क्या नई रिक्वायरमेंट्स ऐड हुई है, आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें जो है बतानी होगी, ये अब ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। तो उसी के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सो। इसके अलावा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आए तो आपको जो है अपडेट्स मिल सके। आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि पहले उन्होंने ये इसको नाम दिया था GST दिया था, यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। काफी टाइम से ये हवा आई हुई थी कि वो जो है GT को GST के साथ रिप्लेस कर देंगे, लेकिन ऑफिशियली जब 4-5 दिन पहले लास्ट वीक उन्होंने इसको बताया था जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स, उन्होंने नाम दिया था कि हम GSR लेके आ रहे हैं। तो उसमें जो चेंजेस आए हैं वो 5 उन्होंने न्यू क्वेश्चंस ऐड किए हैं इन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप अपना वीज़ा खुद लॉन्च करते हो तो आपको इन क्वेश्चंस को जो है उनके आंसर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में ही देने होंगे। अगर आपका एजेंट आपके बिहाफ पे वीज़ा लॉन्च करता है तो आपको जो है अपने एजेंट को इन जो क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, या जो आपका एजेंट है वो आपके बिहाफ पे इन क्वेश्चंस के आंसर देगा। स्पेशली उन्होंने ये जो चेंजेस किए हैं ये उन्होंने वीज़ा ऑफिसर्स के लिए जो डिसीजन मेकिंग है उसको ईजी करने के लिए किए हैं। जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके इन्हीं 5 क्वेश्चंस को पढ़ के जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है या जो आपका वीज़ा अप्रूव कर सकता है। वो बाकी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है देखे ही ना, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर ही उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी हैं, कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं जो पढ़ के वो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है या आपको वीज़ा दे सकता है। तो आइए उन्हीं 5 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन उन्होंने इसमें ऐड किया वो किया है करंट सर्कमस्टेंसेस का। करंट सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने क्या किया है कि आपकी फैमिली टाइज के बारे में पूछा है, आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइज के बारे में पूछा है, जहाँ जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट रही है, जहाँ आपके इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस के बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ही उसका जो है आंसर देना होगा कि आपकी फैमिली टाइज में कौन कौन आता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइज क्या है और आपके सर्कमस्टेंसेस इन योर होम कंट्री क्या है। तो उसका जो असर है उन लोगों के ऊपर भी पड़ेगा जिनके भाई बहन ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है। तो उनके लिए जो है फैमिली टाइज, अगर वो इसका आंसर देते हैं कि उनका भाई बहन ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनकी जो फैमिली टाइज है वीक हो जाती है। लेकिन जो लोग ऑफशोर से अप्लाई कर रहे हैं जिनके कोई भी भाई बहन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, उनके लिए ये पॉजिटिव है क्योंकि उनकी जो है फैमिली टाइज जो है स्ट्रांग होती है कि उनकी जो भाई बहन है वो इंडिया में, उनका कोई भी भाई बहन वहां पे नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस में भी वो आपका यही पूछ लेते हैं कि फाइनेंशियली आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, जहाँ आपके क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं। देन आ जाता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडर एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें उन्होंने आपके कोर्स के बारे में पूछा है कि आपको अपने कोर्स के बारे में क्या पता है और आपने इस एजुकेशन प्रोवाइडर को ही क्यों चूज किया, जहाँ आपने ऑस्ट्रेलिया को ही अपनी स्टडी या लिविंग डेस्टिनेशन के तौर पर क्यों चूज किया, वाई नॉट अदर कंट्रीज। तो इसमें भी जो है आपको इसका आंसर करना होगा कि आपको अपने कोर्स के बारे में बताना होगा और आपके एजुकेशन प्रोवाइडर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसके बारे में बताना होगा कि आपने उसको क्यों चूज़ किया, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना होगा कि आपने अदर कंट्रीज़ को क्यों नहीं चूज़ किया, कैनेडा, UK या USA, ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चूज़ किया। तो ये भी जो क्वेश्चन है उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड कर दिया है। तीसरा आ जाता है जो क्वेश्चन, वो है बेनिफिट ऑफ कोर्स टू द एप्लीकेंट। तो इसमें जो है उन्होंने ये पूछा है कि आपको ये कोर्स पढ़ने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपने गोल्स या प्रोस्पेक्ट्स लिख सकते हैं कि उनको जो है ये कोर्स करने के बाद क्या क्या फ़ायदे होंगे, उनके लिए कौन से नए जॉब प्रोस्पेक्ट्स खुल सकते हैं, या उनके कौन से गोल्स हैं, या उनको कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, या जो भी उनकी होम कंट्री में एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं अगर वो कोर्स पूरा कर लेते हैं तो उनको क्या क्या जॉब्स मिल सकती है, किन किन कंपनीज में उनको कौन सी पोजीशन पे जॉब मिल सकती है। तो इसमें भी कोई ये जो है ज़्यादा इशू नहीं आएगा क्योंकि पहले भी SOP में ये चीज़ें लिखते थे, लेकिन ये बस जो है डिसीजन मेकिंग के लिए ईजी हो जाएगा फॉर द वीज़ा ऑफिसर। नेक्स्ट आ जाता है एडिशनल डिटेल्स। सो अगर कोई एप्लीकेंट अपने बारे में कोई एडिशनल थिंग्स ऐड करना चाहता है तो उसके लिए उन्होंने 4th क्वेश्चन बनाया कि कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप वो ऐड कर सकते हो। तो उसमें भी आपके पास अगर कोई उस कोर्स को पढ़ने का मोटिव है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का मोटिव है, या कोई भी और चीज़ आप बताना चाहते हो तो वो आप जो है
फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें बता सकते हैं। देन आ जाता है जो मेन क्वेश्चन है, ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, रीजन फॉर लॉजिंग स्टूडेंट वीजा ऑन शोर। अगर जो बच्चे ऑन शोर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, वो चाहे किसी 485 वीजा पे हैं जो कि वो स्टडी वर्क वीजा है, जहाँ वो कोविड वीजा पे हैं, जहाँ वो कोई भी टेम्पररी वीजा पे हैं, जहाँ विजिटर वीजा पे हैं सब क्लास 600 पे, तो उनके लिए ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि उनको ये चीज एक्सप्लेन करनी होगी कि आप जो दूसरे वीजा 600 से या 485 से या किसी भी दूसरे वीजा से, टेम्पररी वीजा से जो है स्टूडेंट वीजा पे क्यों आना चाहते हैं, आप क्यों स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें उनको अपने चेंज ऑफ प्लान्स बताने होंगे कि वो जो है 600 सब क्लास पे जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एंटर किया था, उनके जो प्लान्स चेंज हो गए, तो उन्होंने क्यों ये सोचा कि उनको ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टडी करना चाहिए, जहाँ कोई बच्चा 485 वीजा पे था, उसने आपने ऑलरेडी स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो वो दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा क्यों लेना चाहता है, या कोई बच्चा कोविड वीज़ा पे था और वो दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा पे क्यों आना चाहता है, तो उनको अपने चेंज ऑफ प्लान्स बताने होंगे, रीजंस बताने होंगे कि वो ऑन शोर अपना जो है दूसरा स्टूडेंट वीज़ा क्यों डाल रहे हैं। इसका जो अगर कंक्लूजन निकालें तो जो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ऑन शोर अपना स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं, उनके लिए बार बार अपना जो है स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड करवाना अब मुश्किल हो जाएगा। अगर आप स्टडी वीजा पे ही एक्सटेंड करवा रहे हैं, अगर आपने पहले बीबीए की डिग्री की है तो एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वीजा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बीकॉम या बीबीए के बाद कुकरी के कोर्स के लिए या ऑटोमोटिव के कोर्स के लिए अपना वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म देख के ही जो है आपका जो वीजा ऑफिसर है वो रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही उन्होंने आपके सारे जो है सर्कमस्टेंसेस पूछ लिए हुए हैं। तो जो कोर्स प्रोग्रेस है वो बहुत ही जरूरी होगी, और जो ऑन शोर बच्चे बार बार अपना वीजा चेंज करा रहे हैं, कभी 485 पे जा रहे हैं उसके फिर स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं, उनके लिए ये चीजें टैकल करनी थोड़ी मुश्किल होगी कि उनको ये कोर्स क्यों करना है। स्पेशली अब बच्चे को क्या है, जो ऑनशोर बच्चे हैं उनको अपनी फील्ड ऑफ स्टडी पे ही स्टिक रहना होगा, ये नहीं कि पहले किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है उसके बाद वो पेंटिंग का कोर्स कर रहा है, या पहले पेंटिंग का कोर्स किया हुआ है तो उसमें पीआर नहीं हुई तो अब इंजीनियरिंग की डिग्री शुरू कर ली, तो उसमें जो है अब कोर्स रिलेवेंसी बहुत ही जरूरी हो जाएगी। तो ये चीजें ऑफशोर वालों को इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ऑफशोर से तो पहले ही जो बच्चे हैं अपनी फील्ड ऑफ स्टडी या जो उनकी प्रीवियस स्टडी होती है उसी के रिलेवेंट स्टडीज में ही जाते हैं, लेकिन ऑनशोर में अब जो है कोर्स स्विच करना थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, अपनी फील्ड में ही बच्चों को जो है अपना नेक्स्ट वीजा एक्सटेंड करवाना होगा, और उसी में जो है पीआर की अपॉर्चुनिटीज देखनी होगी जो फ्यूचर में उनको मिल सकती है। सो दिस इज फॉर द वीडियो टुडे, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।